दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐप सीट में डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए मैं वीडियो को करता हूं स्टार्ट। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि आप ये मेरा वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए मैं वीडियो को करता हूँ स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं अपने गूगल सीट में। और यहाँ पे आप एक देखिए, छोटा सा मैंने डेटा बनाया हुआ है जिसमें कंट्री के नेम हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कंट्री के नेम दिया हुआ है मैंने और उनसे और उनके कौन कौन से सिटी नेम हैं वो सारी लिस्ट जो है मैंने यहाँ पे बना के रखी हुई है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इंडिया को सेलेक्ट करूँ तो इंडिया की सिटी आए, और अगर मैं कनाडा को सेलेक्ट करता हूँ तो कनाडा की सिटी आए। इसी तरीके से मैक्सिको, अगर मैं यूएस वगैरह जिस भी सिटी को अगर मैं सेलेक्ट करूँ उसी की ही कंट्री को सेलेक्ट करूँ उसी की सिटी नेम हमें मिलनी चाहिए। तो इसे हम ऐप सीट में कैसे कर पाएंगे वो आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इसके लिए सीधे हम चलते हैं डायरेक्ट। मैं इस बार मैं आपको ऐप सीट के वेबसाइट पे ले जा कर के इसे खोल करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे सीधे ले लिया appseat.com और यहाँ से appseat.com ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए, स्टार्ट फॉर फ्री का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे। आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। तो ये देखिए, यहाँ पे ये खुल के आ गई और यहाँ पे इसका appseat का जो ये विंडो है, इसके बाद यहाँ पे आपको मेक ए न्यू ऐप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, स्टार्ट विथ योर ओन डेटा। और यहाँ पे आप इसमें ऐप का नाम दे सकते हैं, जैसे मैं दे देता हूँ डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन, डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन ऐसे मैंने बना लिया। और यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना होता है। आप यहाँ पे जैसे एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए मैं बनाता हूँ तो यहाँ पे मैंने एजुकेशन और ट्रेनिंग का सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे गूगल टू या फिर गूगल, यहाँ पे दो ऑप्शंस, मतलब इस तरह आप, क्योंकि मेरे पास दो ब्राउज़र हैं तो ये यहाँ पे दो आईडी से मैंने एक्चुअली में ओपन करके रखा हुआ, तो इसलिए गूगल ये दो आईडी यहाँ पे ओपन थी। तो खैर उससे नहीं है, आपका यहाँ सिंगल ही खुलेगा। तो यहाँ पे जैसे मेरे ये जो सीट नेम है, ये देखिए स्विच फंक्शन है, तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है स्विच फंक्शन और ये देखिए यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया। ये थोड़ा सा टाइम लेता है पूरा लोड होने में, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट कस्टमाइजेशन ऑप्शंस पे क्लिक कर लेना है और इसका जो डेमो होगा वो देखिए कुछ इस तरीके से आपको, मतलब ये मोबाइल पे किस तरीके से दिखेगा वो इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। और इसके बाद आपको सिंपली आप स्टार्ट कस्टमाइजिंग पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए, कई सारे जो सीट हैं वो यहाँ पे ओपन हो गई हैं, लेकिन हमें जो सीट चाहिए वो हमें यहाँ पे नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये डाटा वाली सीट है और इसमें इंडिया अमेरिका इस तरह के कुछ सीटें मैंने पहले से बना के रखी हुई हैं। तो मुझे ये चाहिए ऐप सीट जिसमें हमारा डेटा पड़ा हुआ है, मतलब जिससे हमें बनाना है ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो वो यहाँ पे नहीं आ रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू टेबल पे यहाँ पे आए चले जाएंगे और यहाँ पे देखिए ये टेबल नाम है ऐड टेबल ऐप सीट, आप इस पर ही क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे ऐड दिस टेबल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, ये दो टेबल है मेरे पास, एक है डेटा टेबल और एक है ऐप सीट टेबल। पर हमें काम किस में करना है, ऐप सीट के अंदर, ऐप सीट वाला जो टेबल है उसके अंदर। अगर आप चाहें तो ये डेटा टेबल को भी हटा सकते हैं। तो इसे आपको अगर हटाना है तो आपको सिंपली जस्ट नीचे आना है और यहाँ पे जो ये डेटा, यहाँ पे जो ये टेबल है इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको डिलीट कर देना है, तो ये टेबल यहाँ से हट जाएगी। इसके बाद थोड़ा सा आपको यूएक्स में भी जाके चेंजेस करने होंगे। देखिए यहाँ पे रेड आइकन यहाँ पे आ गया लाइट, तो ये जो टेबल होता है इसको यहाँ से भी हटाना होता है, तो यहाँ से भी आपको यहाँ डिलीट कर देना है और इसके बाद यहाँ से इसे सेव कर लेना है। तो अभी अब आपके पास जो डेटा हो, जो टेबल होगी वो सिर्फ ऐप सीट वाला टेबल ही होगा। और इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये डेटा टेबल में सीधे ऐप सीट का ही टेबल यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पे अभी क्या करना है कि अभी ये अगर हम इसके यूएक्स में चलें और यहाँ पे देखें तो इसका जो डिज़ाइन, मैंने व्यू टाइप है वो हम देख लेते हैं इसके अंदर। ये कार्ड टाइप का जो कार्ड व्यू टाइप है ये, लेकिन हम इसे फॉर्म टाइप में कर लेते हैं, फॉर्म में सेलेक्ट कर ले पर क्लिक कर लेते हैं। तो ये देखिए फॉर्म टाइप का व्यू यहाँ पे बन के आ गया है और इसे सेव कर लेते हैं।
तो अभी यहाँ पे ये काम हमारा हो चुका है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने डेटा वाले टैब में, और यहाँ पे हम जाते हैं कॉलम्स के अंदर चलते हैं और इसके स्ट्रक्चर, कॉलम स्ट्रक्चर को चेक कर लेते हैं कि इसके यहाँ। तो ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इसने enum पकड़ लिया है, क्योंकि ये डेटा इसमें डुप्लीकेट थे, तो इसने ऐप सीट जो था ऑटोमेटिक इसे जो था ड्राप डाउन लिस्ट में क्रिएट कर दिया है। ये आपका जो भी लिस्ट था वहाँ पे कंट्री का, वो सारी जो था यहाँ डुप्लीकेट वैल्यूज़ होने की वजह से ये इसको enum में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे ये तो ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन बन चुका है। अगर आप डेटा आपका ड्रॉप डाउन में नहीं बनता है, तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में जो था बताया कि आप किस तरीके से ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं, और आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो पहली बात यहाँ पे हो चुका है, यहाँ हमारे पास जो था लिस्ट आ चुकी है कंट्री की। तो यहाँ पे अब हम ये चाहते हैं जैसे हम इंडिया को सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे अभी देखिए कुछ नहीं आ रहा है, पर हम चाहते हैं कि केवल इंडिया की ही लिस्ट हमें यहाँ पे दिखाई पड़े। तो इसका ऐसे लिए हम क्या कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको ये जो सिटी नेम है, तो सिटी नेम में हमको ये लाना है। तो यहाँ पे हम सीधे इसके जो पेंसिल आइकन यहाँ पे क्लिक करना है और जस्ट थोड़ा सा नीचे चले आना है और यहाँ पे डेटा वैलिडिटी पर क्लिक करना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाता है वैलिड इफ। वैलिड इफ ऑप्शन में आपको यहाँ पे सेलेक्ट फंक्शन जो एक्सप्रेशन होता है उसका यूज़ करके यहाँ पे डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे इसे, हम यहाँ पर लिखना है सेलेक्ट और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करना है। इससे पहले मैंने सेलेक्ट की जो था वीडियोस डाल दी हैं, जिन लोगों को सेलेक्ट के बारे में नहीं पता है वो वीडियोस ज़रूर देख लें। तो यहाँ पे इसके जो पैरामीटर्स होते हैं, सबसे पहले होता है टेबल नेम। तो टेबल नेम यहाँ पे आपको कहाँ मिलेगा, जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ये जो यहाँ पे ऐप सीट लिखा हुआ है, जो ये नीचे टैब बने हुए, वहीं होता है आपका टेबल नेम। तो यहाँ पे आपका जो टेबल नेम है वो है आपका ऐप सीट। ऐप सीट यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ पे अब उस कॉलम का नाम देना है, मतलब आउटपुट में आपको कौन से कॉलम चाहिए। तो आउटपुट में हमें यहाँ पे चाहिए सिटी नेम, मतलब हमको चाहिए यहाँ पे जो भी हम कंट्री को सेलेक्ट करें उसका हमें सिटी नेम चाहिए, सिटी नेम ये वाला। तो यहाँ पे हमें कॉलम का जो भी नाम देना होता है वो हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देना होता है, सिटी नेम, और उसके बाद हमें स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करना है। उसके बाद फिर से कॉमा लगाना है। अब यहाँ पे हमें कंडीशन देनी होती है कि क्या कंडीशन हो कि हमें सिटी, मतलब वहाँ पे सिटी नेम किस कंडीशन पे चाहिए, वो आपको यहाँ पे देना पड़ता है। तो कंडीशन कैसे देना है कि मतलब जो भी हम कंट्री को सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो होता है मुझे वहाँ पे सिटी नेम लाना है। तो यहाँ पे आपको कंट्री जो कि हमारा कॉलम नेम है, तो यहाँ पे लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कंट्री, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करना है और यहाँ पर इक्वल लगाना है। उसके बाद यहाँ पर अंडर स्कोर दिस रो, इसका मतलब मैं अभी आपको समझा देता हूँ, अंडर स्कोर दिस रो, और यहाँ पे आपको देना होता है डॉट के साथ कंट्री, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को करना है क्लोज और ब्रैकेट को कर देना है। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि ये पहली बात तो हमें आउटपुट में क्या चाहिए, सिटी नेम, और दूसरा यहाँ पे जो मैंने कंट्री लिखा हुआ है कंट्री, और उसके बाद अंडर स्कोर दिस रो डॉट कंट्री, इसका मतलब अंडर इसको दिस रो डॉट कंट्री का मतलब ये होता है कि जो हमारा यहाँ पे जो ऐप जो बना हुआ है उसमें जो कंट्री का जो मेरे पास यहाँ पे कॉलम बनी, मतलब जो यहाँ पे आप जस्ट सिंपली ये देखिए जो ड्रॉप डाउन बना हुआ है, उस रो में जो भी वैल्यू मैं सेलेक्ट करूँ अगर वो मेरा इस कंट्री वाले कॉलम से मैच खाता है तो वो सारी वैल्यू जो होता है हमें दिखा दें। तो अंडर स्कोर दिस रो डॉट कंट्री, कंट्री का मतलब आपका हो गया कि इस जो सेल के अंदर जो वैल्यू, इस बॉक्स के अंदर जो वैल्यू हम लिख रहे हैं वो अगर हमारी इस कंट्री वाले कॉलम से मैच खाती है तो उसके अंदर जो जो भी सिटी नेम है वो जो होता है फिल्टर होकर के यहाँ पे आ जाए। तो ये हमारा चूँकि कंडीशन बन चुका है, ऐसे आप यहाँ पर देख सकते हैं वेयर दिस कंडीशन जो ट्रू है वो क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉलम कंट्री, मैंने जो कॉलम कंट्री है, जो कंट्री वाला जो कॉलम है अगर वो इक्वल हो जाता है द वैल्यू ऑफ कॉलम जो कि रेफरेंस है हमारा सिटी नेम का, सिटी नेम में जो ने जो हम रेफरेंस दे रहे हैं अगर उससे मैच करती है तो वो सीधे क्या हो जाए, वो सारी वैल्यूज जो हमें दिखा दे। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव करना है और यहाँ से आपको डन कर लेना है और यहाँ से आपको दोबारा सेव करना है। तो एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं, हम यहाँ पे कोई भी कंट्री को सेलेक्ट कर लेते हैं, सपोज इंडिया को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन बन गई, एक बॉक्स दूसरा आ गया है सिटी नेम का, यहाँ पे चलते हैं क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कर्नाटका, बैंगलोर, लखनऊ, कानपुर, मुंबई, बड़ोदरा,
और जस्ट थोड़े से स्क्रॉल डाउन करते हैं, देखिए सिर्फ इंडिया की ही सिटी आ रही है, इसमें और कोई भी सिटी नहीं है। इसके बाद फिर मैं इसको डन करता हूँ, और इस बार मान लीजिए मैं अमेरिका को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इस बार चेक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये देखिए अमेरिका का पूरा सिटी जो भी लिस्ट थी उसके अंदर वाशिंगटन डीसी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, सैन जो होता है सीएटल, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क सिटी और शिकागो, एलियोस, ये सारी जो सिटी नेम है यहाँ पे आ गई। और इसी तरीके से मान लीजिए मैं कनाडा को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो देखते हैं क्या कनाडा की कौन कौन सी, ये देखें मॉन्ट्रियल, कैलगरी, एडमोंटन और ओटावा, ये सारी जो इनकी सिटी हैं कनाडा में वो सारी लिस्ट जो है यहाँ पे आ गई। तो इस तरीके से आप जो है डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐप सीट के अंदर बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।